हेलो गाइस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे जो कि क्लास सेवेंथ की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ये वर्कशीट 17 सितंबर 2021 की है।, है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट सोयल सोयल फॉर्मेशन लैंड स्लाइड सोइल डिग्रेडेशन सोयल द थिन लेर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल तो एक जो थिन लेयर अगर हम की सर्फेस की बात करें अर्थ सर्फेस की बात करें तो उस पर एक थिन लेयर ग्रेनी सब्सटेंस की है जिसे हम सॉइल कहते हैं इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड जो क्या है लैंड से क्लोजली लिंक है लैंड फॉम डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल सॉइल इज मेडअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वैदर रॉक्स इन द अर्थ फाउंड ऑन द अर्थ तो जो सॉइल है वो क्या है सॉइल मेडअप किससे बनी होती है ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है मिनरल से बनी होती है रॉक के वैदर करने से मतलब जो रॉक करके टूटने से uh, अर्थ पर क्या बनती है सॉयल बनती है दिस हैपन थ्रो द प्रोसेस ऑफ वैदरिंग इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वैदरिंग कहते हैं द राइट मिक्स द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल अगर जो मिनरल्स है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो राइट right, उनका मिक्सअप होता है तो वो सॉइल क्या बनती है फर्टाइल सॉइल बन जाती है मतलब वो जो आगे जो कल्टीवेशन के लिए वो सॉइल बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए ना डू यू नो इट टेक हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट वन सेंटीमीटर ऑफ सॉइल एक सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए हंड्रेड ईयर का टाइम लग जाता है बेटा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन द मेजर फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन द नेचर ऑफ द पेरेंट रोक रोक का नेचर डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर डिपेंड करते हैं टोपोग्राफी वो एरिया कैसा है वो लैंड कैसी है रेफ्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन और कितना टाइम लगा है ये सब क्या है सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन प्रोग्रेस क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म रिलइ रिलाइफ टाइम एंड पेरेंटल मेटेरियल मतलब वहाँ पे पर, जो मैटर है वो कैसा है रोक कैसी थी वहाँ की क्लाइमेट कैसा था टॉपोग्राफी कैसी थी ऑर्गेनिक मैटर और टाइम ये सब डिपेंड करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए ठीक है आगे देखते हैं लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड लैंड स्लाइड द मास मोमेंट ऑफ रोक द्रिथ ऑफ अर्थ अ स्लोप इज नोन एज लैंड स्लाइड देखो इस तरह की अगर लैंड है तो इसमें क्या होगा यहाँ की लैंड क्या होती है कई बार नीचे आ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं लैंड स्लाइड इट ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्विक फ्लूड एंड वॉलकैनोज ये कब होते हैं मोस्टली जहाँ पे अर्थक्विक कुछ होता है फ्लूड आ जाते हैं या वॉलकैनो टाइप होता है तब क्या होता है इस तरह के लैंड स्लाइड होते हैं मीन वाइल प्लोलॉम स्पेल द रेनफॉल कैन ऑल्सो कॉज अ लैंड स्लाइड कई बार क्या होता है बहुत लंबे टाइम तक रेनफॉल होती है वो भी क्या बन जाती है लैंड स्लाइड का रीजन बन जाती है मिटिगेशन टेक्निक्स डेवलपमेंट इन साइंटिफिक टेक्नीस हैज़ इम्पावर्ड अस द अंडरस्टैंड दैट फैक्टर कैज लैंड स्लाइड एंड हाउ टू मैग्नेट निट दैम देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे साइंटिफिक टेक्निक का यूज मतलब हो रहा है एम्पावर्ड हो रही है वैसे वैसे हम थोड़ा समझने लगे फैक्टर इनके फैक्टर समझने लगे कि किस रीजन से ये होता है और किस तरह से उनको संभाला जा सकता है मैनेज किया जा सकता है सम ऑफ द ब्रॉड मैग्नीटेशन टेक्निक ऑफ लैंड स्लाइड आर गिवन कुछ मैग्निटेशन जो टेक्निक्स है वो यहां पर दी गई हैं देखते हैं कौन सी हजार मैपिंग ऑफ द लोकेट एरिया प्रोन टू लैंड स्लाइड हैंड सच एरिया कैन बी अवॉइडेड फ्रॉम बिल्डिंग सेटलमेंट देखो कुछ एरिया को क्या कर दिया गया है मैपिंग करी गई है और बता दिया गया है कि यह एरिया जो है वो लैंड स्लाइड्स वाले एरिया है तो वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या जो लोग रहने के लिए कम से कम वहां पर सेटल होते हैं जिससे कि क्या वो बचाया जा सके लोगों को ना कंस्ट्रक्शन ऑफ रेटिटेशन वॉल ऑफ द स्टोप एंड लैंड फॉर्मेशन स्लाइपिंग स्लिपिंग तो क्या कहना कि ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन भी कम से कम किया जाता है जिससे कि क्या हो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके इंक्रीज द वेजिटेशन कवर द अरेस्टेड लैंडस्लाइड जो भी लैंडस्लाइड एरिया है वहां पे ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन की जाए मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाए जाए प्लांट्स क्या करेंगे प्लांट्स की रूट क्या करेगी सॉइल को बांधेगी और बांधने से क्या होगा जो लैंडस्लाइड है वो कम होगा द सर्फेस ड्रेनिंग कंट्रोल वर्क कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द लैंड स्लाइड अलोंग विद द रेन वाटर एंड द स्प्रिंग फ्लो जो रेन वाटर है रेन वाटर या जो स्प्रिंग वाटर आ रहा है उसके लिए क्या कर दिया गया एक रूट डिसाइड uh, कर दिया गया कि इसी रूट से क्या होगा पानी बहेगा क्योंकि सब जगह जाएगा तो वो क्या करेगा सॉयल को ढीली कर देगा जिससे कि क्या होगा जो लैंडस्लाइड है ज्यादा होने के चांसेस होंगे तो क्या कर दिया गया ड्रेनेज सिस्टम बना दिया गया अच्छे से जिससे कि क्या जो वाटर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल सॉयल एरोजन कैन डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ द सॉइल रिसोर्सेज बहुत ह्यूमन एंड नेचर फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल सोइल को डिग्रेडेशन करने में कौन कौन है ह्यूमन एंड नेचर दोनों ही क्या करते हैं फैक्टर हैं इसके इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैक्टर डिग्रेडेशन डिफोरेस्टेशन ओवर क्या क्या रीजन है सोयल डिग्रेडेशन के डिफोरे so, uh, मतलब की प्लांट्स को काटना ओवरग्रासिंग मतलब की ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम ग्रास है वहां पर भी क्या कर, किया जा रहा है एनिमल्स को जैसे घास चलाने के लिए बोल देते हैं ना वैसे ग्रेजिंग करवाई जा रही है जिससे कि क्या होता है वो साते हैं ईट करते हैं ग्रास को और साथ

फाउंड ऑन द अर्थ दिस हैपन थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आर द फैक्टर इफेक्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं देखो बहुत अच्छे से यहां पर दिया गया है आपका आंसर नंबर टू तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये यह क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर टू द नेचर ऑफ पेरेंट रोग क्लाइमेटिक फैक्टर टोपोग्राफी रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइम ठीक है ये हो जाएंगे आंसर नंबर टू अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वाई इज नेसेसरी टू मिटी मिटिगेट लैंड स्लाइड लैंड स्लाइड को मिटिगेट करना क्यों जरूरी है क्यों क्योंकि देखो अगर लैंड uh, स्लाइड को मिटिगेट नहीं करेंगे मिटिगेट नहीं करेंगे तो क्या होगा ज्यादा लोग वहां पे बसना शुरू कर देंगे और लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जान जो मान हानि जिसे हम कहते हैं उसका नुकसान होगा तो आइए करते हैं इसका आंसर हम तो देखते हैं इसका आंसर लैंडस्लाइड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लैंड जो है वो लो किसका प्रॉपर्टी और लाइफ का क्या करती है लॉस कर सकती है इसीलिए क्या है मिटिगेट्स ज़रूरी है इट कॉज सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन हो जाता है इससे द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लडिंग इंक्रीजिंग ड्यू टू द पर्सिस ऑफ रिवर रिवर का जो पासिस क्या है चेंज कर देगी जिससे कि क्या होगा फ्लडिंग के चांसेस हो जाते हैं मेनी टाइम रोडवे एट्सेट्रा आर ब्लॉक्स जो रोड्स हैं वो भी क्या हो जाती है कई बार इसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है इसीलिए इसको मिटिगेट करना ज़रूरी है ठीक है तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स